नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी छिंदवाड़ा की, जहां हनुमान मंदिर पर महादेव महाकाल का स्थापना दिवस मनाया गया। साथ ही बात होगी धार की, जहां जहरीला चारा खाने से 12 पशुओं की मौत, 4 बीमार हुए। और बताएंगे कैसे टीकमगढ़ में पानी होने के बावजूद भी अनुसूचित जाति बस्ती को नहीं मिलता है पानी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। महादेव महाकाल की देवनागरी जिन्नारदेव विशाला के परिस्थित महावीर बजरंगबली का प्राचीन मंदिर है। इसी मंदिर पर महादेव महाकाल की शिवलिंग की स्थापना पिछले साल की गई थी। आज पूरे एक साल होने पर श्रद्धालुओं द्वारा मनेश्वर महादेव का स्थापना दिवस मनाया गया। महावीर बजरंगबली को चोला अर्पण किया गया। तत्पश्चात मनेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक कर हवन पूजन आरती के पश्चात विशाल भंडारी का आयोजन किया गया। पंडित विकास विक्की महाराज द्वारा पूजा अर्चन सम्पन्न कराया गया। तो वहीं ग्राम के वीरेंद्र अग्रवाल, अजय ध्रुवे, संजय ध्रुवे, उमेश साहू, सचिन ध्रुवे सहित बड़ी संख्या में माताएं बहनें उपस्थित रहीं। जिन्नारदेव छिंदवाड़ा से कैमरा पर्सन चानू के साथ सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। धार तहसील के ग्राम बगड़ी के ग्राम मुंडला के आसपास ग्रामों में जहरीला चरी खाने से 12 पशुओं की मौत हो गई। 4 पशु गंभीर रूप से बीमार हो गए। सूचना प्राप्त होते ही पशुपालन विभाग की टीम तुरंत बीमारों पशुओं का इलाज किया। ऐसा बताया जाता है कि बीमार पशु ठीक हालत में हैं। इस बारे में पशुपालन जिलाधिकारी एसके मोदी ने बताया कि ग्राम मुडला व आसपास के ग्रामों के खेतों में ज्वार की खेती की गई थी। खेती काटने के बाद जो ज्वार के पौधे सूखकर जमीन पर गिर जाते हैं, वो जहरीले हो जाते हैं। पशुओं को इनको खाने के बाद ऑक्सीजन की कमी पशुओं में हो जाती है। बताया कि इस जहरीले चरी खाने से 12 पशुओं की मौत हो गई व 4 पशु बीमार हुए हैं। फिलहाल पशुपालन विभाग की टीम इन पीड़ित ग्राम पशुओं का इलाज कर रही है, साथ ही इन ग्रामों पर नजर जमी हुई है। मोदी ने कहा कि जहरीले चेरी इन ग्रामों से हटा लिए गए हैं। साथ ही धार जिले के सभी किसानों से निवेदन करते हैं कि जहां जहां जोर की खेती की गई है, उसे काटने के बाद बचे खुचे चारों को हटा दिया जाए। आइए जानते हैं इस विषय में पशुपालन विभाग धार एसके मोदी का क्या कुछ कहना है। जो अभी बगड़ी क्षेत्र में, बगड़ी छगड़ी क्षेत्र में जो पशुओं का की मृत्यु हुई है, वो जैसा बताया गया कि जहरीला चारा खाने से हुई है। वो ज्वार के डंठल और जो सूखी ज्वार होती है, जो काटने के बाद बच जाती है और सूख जाती है, उसमें जो भी दाने बचे होते हैं उसमें पॉइजनिंग उत्पन्न होने लगती है सूखने के बाद, ज़मीन पर गिरने के बाद, जिसको कि साइनाइड पॉइजनिंग कहते हैं। और उसके खाने से पशु में अचानक जहर का प्रभाव होता है और पशु में मृत्यु होने लगती है, क्योंकि ये पशु के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और पशु मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसे कि अभी फिलहाल कितने पशु इस जहरीले चारा खाने से उनकी मृत्यु हुई है, और कितने मात्र 12 की मृत्यु हुई है और 3-4 पशु बचा लिए गए हैं जिनका इलाज अभी भी चल रहा है। और चारा की स्थिति यह है कि वहाँ से चारा हटा लिया गया है। पशुपालकों को भी हिदायत दे दी गई है कि इस चारे को जहाँ से हटाएं और भविष्य में भी उस चारे को काट करके यत्र तत्र ना फेंकें, उसको एक तरफ उसका डिस्पोजल किया जावे। अभी आपकी टीम काम कर रही है जी? अभी की स्थिति में हमारी टीम वहीं पर है, स्पॉट पर ही है। और भी जैसे कि धार जिले में और भी कई जगह इस तरह की स्थिति बन सकती है? जी हाँ, जहाँ पर ज्वार की कटिंग हो रही होगी वहाँ बन सकती है। फिर भी मैं समाचार पत्र के माध्यम से और आपके माध्यम से पशुपालकों को ये हिदायत देना चाहूँगा कि जो भी चारा की कटिंग करते हैं वो चारा को काट कर एक तरफ इकट्ठा करें। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में बीती रात अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई मुठभेड़ में 9 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। बताने की थाना बाबूगढ़ हापुड़ देहात व धौलाना पुलिस की चेकिंग के दौरान चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह से हुई मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 3 घायल सहित 9 शातिर बदमाश गिरफ्तार, जिनके कब्जे से अवैध असलाह, मैजिंदा व खोखा कारतूस, अवैध चाकू, एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटी, एक कैंटर गाड़ी व चोरी का माल, फ्रिज, विद्युत तार, बैटरी इत्यादि बरामद हुए हैं। घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में क्षेत्राधिकारी नगर वरुण मिश्रा का क्या कुछ कहना है। कल देर रात्रि जनपद हापुड़ के थाना देहात, थाना बाबूगढ़ तथा थाना धौलाना पुलिस की बदमाशों के एक गैंग से मुठभेड़ हुई है, जिसमें 9 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान इनमें से 3 बदमाश घायल हुए हैं। इनके पास से 6 तमंचे, चाकू, 2 स्कूटी तथा एक कैंटर बरामद हुआ है। बरामद कैंटर में चोरी के सामान जैसे एसी, फ्रिज,
बिजली के तार, बैटरियां इत्यादि बरामद हुई हैं। इनसे प्रारंभिक पूछताछ में इनके द्वारा कोतवाली नगर हापुड़ के बिजली घर, थाना धौलाना तथा थाना खरखौदा के एक एक स्कूल तथा धीरखेड़ा की फैक्ट्री में चोरी करना स्वीकार किया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। हापुड़ से सीनियर संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने बचाई महिला तथा पुरुष यात्री की जान। बता दें, प्रयागराज जंक्शन पर ट्रेन पर चढ़ते समय पैर फिसलने से महिला व पुरुष यात्री ट्रेन की चपेट में आते आते बचे। मौके पर मौजूद रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने दिखाया साहस का परिचय। वहीं ट्रक के नीचे आने से बचाई महिला तथा पुरुष यात्री की जान। मौके पर मौजूद राजस्थानी लोगों ने किया सहयोग, बचे हुए यात्रियों की जान। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 का पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के जतारा जनपद अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत जगत नगर में अनुसूचित जाति बस्ती को पानी की सप्लाई नहीं मिल पा रही है। हालांकि जगत नगर में नल जल योजना अभी प्रस्तावित है, जिसको देखते हुए पंचायत में सन 2019-20 में पूरे गांव में पानी की पाइपलाइन डाली गई थी। वहीं अनुसूचित जाति बस्ती में ये पाइपलाइन नहीं डाली गई थी, जिसको लेकर पिछले वर्ष 2022 एवं 23 के लगभग एक टेम्परेरी लाइन डाली गई थी, लेकिन अनुसूचित जाति बस्ती की लाइन खराब हो चुकी है, जो कि अलग अलग जगह से टूट रही है। वहीं ग्रामीण लोगों ने बताया कि पानी सप्लाई के लिए एक चैम्बर बनाया गया, जिसमें नोजल लगा हुआ है। वो नोजल हमेशा से ही बंद रहता है और चैम्बर में ताला डालकर कर्मचारी गायब हो जाते हैं। ग्रामीणों ने ये भी कहा कि करीब 8 माह से पानी नहीं मिल रहा है और हम लोगों को लगभग 2 किलोमीटर दूर कुएं से पानी लाना पड़ता है। वहीं एक छात्रा ने बताया कि पूरा दिन पानी भरने में लग जाता है और हमारी पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। जब इस संबंध में जतारा जनपद सीओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि करीब 7-8 दिन पहले वो जगत नगर गए हुए थे, लेकिन हमारे पास ग्रामीणों की किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है। ये भी कहा कि आपके द्वारा जानकारी लगी है तो ज़रूर एक बार देखेंगे, यदि लाइन टूटी है तो लाइन को दुरुस्त किया जाएगा। आइए जानते हैं इस विषय में ग्रामीण आज़ाद अहिरवार, छात्रा कंचन अहिरवार और ग्रामीण खेलू अहिरवार और हल्की अहिरवार का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है? कहाँ की है? क्या समस्या है? पानी की समस्या। क्या समस्या है? बहुत दूर से, घर से 2 किलोमीटर दूर है कुआ, वहाँ से पानी भरने के लिए आते हैं। पंचायत ने व्यवस्था नहीं करवाई पानी, पाइपलाइन डलवाई थी लेकिन पानी नहीं आता। हरिजन बस्ती में पानी नहीं आता केवल, और गांव में पानी आता है। हाँ। तुम पानी कितनी बार पानी भरा? कम से कम 10-20 बार। 10-20 बार? और फिर पढ़ाई कितने में पढ़ा? 10 में। फिर कैसे पढ़ाई कर पाते? पूरे दिन पानी में निकल जाता, पढ़ाई नहीं कर पाती। क्या नाम दादा? खिल्लू। कहाँ के रहने वाले? पानी की क्या समस्या है? पानी आ ही नहीं रहा बिल्कुल, गांव में आया पानी हमारा नहीं आया। कौन से मोहल्ला में नहीं आया? चमरौला में, हरिजन बस्ती में पानी नहीं आया बिल्कुल, नहीं आया। देख लो मर जाए इतने आदमी टाड़े। और यहाँ पानी और पाइपलाइन डाली है? पाइपलाइन दो है, मुआ तक दो। कहाँ से आप? सप्लाई कुगा से। हाँ, कुगा से आओ। सो केवल हरिजन बस्ती में पानी नहीं आओ? हरिजन बस्ती में नहीं आओ, पूरे गाँव में जा रहा पानी। वो पूरे गाँव में जा रहा? हाँ। तुम लोग कहाँ से भरते हो पानी? हम तो ऐसे भरते हैं दूसरे के कुगा से। कितने दूर जाना पड़ा? जाने आओ तो 1 किलोमीटर दूर, लोटा पल्टी को 2 किलोमीटर पाया जाते, वहीं जाते हो? हाँ, डेली ना जाते भाई। क्या नाम है आपका? आज़ाद अहिरवार। क्या समस्या है भाई? पानी की समस्या है। कैसी? पानी भाई, मतलब लाइन तो डली है पंचायत से, तो लाइन डली है लेकिन हरिजन बस्ती में पानी नहीं आता है कभी। और पहले आता था? पहले तो अभी नहीं, पिछली पंचायत में आता था, अभी इस पर सरपंची में नहीं आया। और आदिवासी हैं हमारे यहाँ के सरपंच साहब, तो उनको दबंग लोगों के मारे उनकी चलती नहीं है सरपंच की। अब सेक्रेटरी हैं तो सेक्रेटरी उनके हैं, सामान्य वर्ग वालों के, पिछड़ा वर्ग वालों के, उन्हीं की सपोर्ट में वो उन्हें पाइप तोड़वा दिए, घर घर में नल फुड़वा दिए, खेतों में भी पानी निकलवा दिया उनने, तो इसलिए यहाँ नहीं आता है पानी। हरिजन बस्ती में हमने कई बार सरपंच से रिक्वेस्ट की कि सरपंच साहब आप पानी करवा दो। सरपंच कौन है? आदिवासी हैं सर। और क्या नाम है? अली। क्या समस्या है? पानी की समस्या है बहुत ज़्यादा। क्या समस्या है? पानी आ ही नहीं रहा है, माई पानी आती ना, पानी आ ही नहीं रहा है। दो तीन
पाँच छः किलोमीटर है दूर खेतन में हो जात पानी के लाने, पानी कुएं में भी पानी नहीं है। ये तो जो पाइपलाइन डाली गई उसी में पानी नहीं है? हाँ नहीं आ रहा पानी। और कहाँ कहाँ पानी जाता है? माँ पानी जाता है। ये कौन सी बस्ती है? एहरवाज। ये तो पानी नहीं आ रहा? नहीं। कितने दिन से नहीं आ रहा ये पाइप लाइन में? पाँच छः महीनों से पानी नहीं आ रहा। क्या नाम है आपका? अनीता। कहाँ की रहने वाली है? जगतनगर। क्या समस्या है? पानी की। कैसी समस्या है? बहुत परेशानी है पानी की, कितने पानी नहीं आता है। कितने की दूरी से भरा? कम से कम 2 किलोमीटर से। डेली भरा? हाँ डेली भरते हैं। पंचायत ने व्यवस्था नहीं करवाई? की तो है लेकिन पानी आता नहीं है। और गांव में आओ थे पानी? पानी तो आता है गांव में। लाइन डली का? हाँ सप्लाई डली। पंचायत द्वारा डाली गई थी? हाँ, तो फिर यहाँ पानी नहीं आती है? पानी नहीं आता है। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।